पांच वर्ष पहले पतंजलि योगपीठ में हर्ष ज्ञान परंपरा, ऋषियों की ज्ञान परंपरा को गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ाने का ये अनुष्ठान श्रद्धेय गुरुदेव पूज्यपाद आचार्य श्री प्रद्युम्न जी महाराज जी के सानिध्य में शुरू किया था योग ग्राम में। तब गुरुदेव की कुटिया और उसके सामने बेटियों की एक झोपड़ी नुमी कुटिया होती थी, और फिर सामने के परिसर में ब्रह्मचारियों के लिए अलग से आवास की व्यवस्था थी। प्रारंभ में जो बेटियां ठहर पाई श्रद्धे गुरुदेव के सानिध्य में, उसमें अभी भी हमारी कुछ बेटियां हैं। कुल 8 बेटियों से शुरू हुआ था यह हमारा कन्या गुरुकुलम, और अब पर मिलाकर के हमारी पुरानी बेटियां और नई ब्रह्मचारिणियां सब मिला करके आज 150 से अधिक बेटियां इस अनुष्ठान में जुड़ी हैं, और एक आधार तैयार हुआ है। बहुत बड़ा संकल्प होता है कि हम अपने आप को भगवान के लिए अर्पित कर दें। अनंत के लिए जीना, भगवान के लिए जीना, सेवा साधना के लिए जीना, गुरु के संकल्प के लिए जीना, माने अकाम होकर के काम करना। बड़े शब्द होते हैं, इनका अभिप्राय समझने में सामान्य जनों को तो अड़चन आती ही है, उनको तो बहुत भ्रांतियां होती ही हैं। ये अकाम होना, अचाह होना, निष्काम होना, आप्त काम, आत्म काम, ब्रह्म काम होना, दिव्य कामना के साथ जीवन को जीना, ये बहुत बड़ा संकल्प होता है। हमारी चाह कहीं ना कहीं बनी रहती है, और उस चाह से मुक्त होने में हमको ऐसा लगता है कि हमारी चाह ही खत्म हो गई, तो फिर हम जीवन किसके लिए जिएंगे? ऐसा लगता है इच्छाओं से मुक्त होना मृत्यु जैसा लगता है। इसलिए जो इच्छाओं को मार लेता है उसको कहते हैं जीवन मुक्त हो गया, जीते जी ही मुक्त हो गया, ऐसा बोला जाता है। तो आपका बौद्धिक सामर्थ्य सबका एक जैसा यद्यपि नहीं है, शारीरिक सामर्थ्य भी एक जैसा सबका नहीं है, सबका भावनात्मक सामर्थ्य भी एक जैसा नहीं है। ये तीन ही तरह का हमारा सामर्थ्य होता है, एक शारीरिक सामर्थ्य, एक भावनात्मक सामर्थ्य, एक बौद्धिक सामर्थ्य। शारीरिक सामर्थ्य से अभिप्राय हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है, जेनेटिकली हमारी कद काठी कैसी है, फिजिकल स्ट्रेंथ पावर हमारे भीतर कितनी है, ये सबका एक जैसा नहीं होता। तो शारीरिक सामर्थ्य हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। जो भावनात्मक सामर्थ्य है, जिसका संबंध हमारे हृदय से है, यह हमारे इस जन्म के अभ्यासों, माता पिता की परवरिश, गुरुजनों का सानिध्य, किस वातावरण समाज में हम रहते हैं उसके ऊपर, और हमारे अनादिकाल के कर्माशय संस्कार पर भी आधारित होता है। तीसरा बौद्धिक सामर्थ्य होता है। बौद्धिक सामर्थ्य में भी प्रारब्ध की बहुत बड़ी भूमिका है। यूं तो बौद्धिक सामर्थ्य हो, भावनात्मक सामर्थ्य हो या शारीरिक सामर्थ्य हो, इसमें हमारा प्रारब्ध तो जुड़ा हुआ ही है। जिनका प्रारब्ध बहुत ऊंचा होता है उनका मस्तिष्क उन्नत होता है, उनका हृदय बहुत उन्नत होता है, उनका शरीर भी बहुत उन्नत दिव्य होता है।
और यही पूर्व जन्म का भी प्रमाण है। कुछ कहते हैं पूर्व जन्म होता है कि नहीं होता, तो सब यदि पूर्व जन्म ना होता तो सबका बौद्धिक सामर्थ्य एक जैसा होता, ऐसा तो पूरी दुनिया में मिला ही नहीं कि दो व्यक्तियों का बौद्धिक सामर्थ्य एक जैसा हो। इसमें माता पिता की भी एक सीमित भूमिका है। मैं जिस परिवार में पैदा हुआ उस परिवार में भी दूसरे भाइयों का और एक बहन है उसका सामर्थ्य और मेरा सामर्थ्य एक जैसा नहीं है। जिस परिवार में मेरे इस शरीर का जन्म हुआ, दो और भाइयों और एक बहन है, उन तीनों का ही शारीरिक सामर्थ्य मेरे से ज्यादा। अब भावनात्मक और बुद्धिक सामर्थ्य के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन एक बात कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि एक माता पिता के कोख से जन्म होने वाले आत्माओं का भी प्रारब्ध एक जैसा होगा। ये तो भगवान की व्यवस्था भगवान जाने, लेकिन इतना जरूर है इसमें हमारे प्रारब्ध की भूमिका होती है। फिर पुरुषार्थ की तो बहुत बड़ी भूमिका है, नियति के साथ हमारे डेस्टिनी के साथ हमारे भाग्य के साथ इस जन्म का हमारा पुरुषार्थ बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो आप सब बहनों का एक जैसा सामर्थ्य न होते हुए भी संकल्प सबका एक जैसा है। अब देखना होगा कि संकल्प के बल पर पुरुषार्थ करते हुए अपने प्रारब्ध को कितना आप उन्नत करते जाते हैं। 99% लोग तो प्रारब्ध में ही जीते रहते हैं, जैसे जैसा मंत्र बोलने का अभ्यास हो गया वैसे ही मंत्र बोलते जाते हैं। मंत्र बोल दिया ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम। अब भवन में शुरुआत में ओम भूर्भुवस्व भी बोलना है तो अगले कुछ तो तत्सवितुर् भी बोल ही देते, इसका अभ्यास कहते हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, मीन्स हम ओम भू जब बोला तो भू बोलते ही अपने प्राणों पर ध्यान जाना चाहिए, तो प्रभु प्राणों का आधार है। तो बस ऐसा बोला और अपने जीवन की डोर प्रभु के हाथों में सौंप दिया हमने, भू है बोला तो हमने अपनी इच्छाओं को मिटा दिया। भूआ का मतलब भू मने प्राणाधार, भू मने दुखों का विनाशक प्रभु। दुखों का विनाश कब होगा, जब हमारी इच्छाओं से मुक्त होंगे, अपनी इच्छा से मुक्त हो गए और भगवान के भगवत इच्छा से जुड़ गए तो बस दुखों से मुक्त हो गए। स्व प्रभु तो सुख देने वाला, बस इसलिए इसको महाव्याहृति कहते हैं। इसमें तो सारा जीवन आ गया, भू प्राणों का आधार, जीवन का आधार प्रभु तो ही, और दुखों से मुक्ति प्रभु आपके संकल्प से जुड़ने पर ही होती है। मैं बस हे प्रभु आप जो मेरी आत्मा में आप प्रेरणा देते हो उसी के अनुरूप जीवन, मैं आत्मा में उठ रहे प्रभु आपकी आज्ञा का एक बार भी अनादर न करूं, ऐसा मुझे बना दे। तो ये संकल्प करते हैं, ऐसा प्रार्थना करते हैं, ऐसे भुआ बोला स्व बोला तो बस सुख स्वरूप परमेश्वर में हम ऐसे जुड़ गए एक रस होकर के कि अब दुख शेष ही नहीं रहा। अब जीवन में कोई क्लेश, कोई वासना, कोई अशुभ, कोई अशांति, कोई अभाव, कोई अपूर्णता, किसी प्रकार की कोई दरिद्रता शेष ही नहीं रही। ये है भूर्भुवस्व, मंत्र बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें पुरुषार्थ जुड़ गया। प्रतिपल माने प्रारब्ध जो है वो धरातल का काम करे और पुरुषार्थ हर पल हमारा जुड़ता रहे। तो जो मैं बोलता हूँ ना, जीवन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बनता, जीवन के छोटे छोटे घटक हैं। हम कैसे देखते हैं, हम कैसे बैठते हैं, जैसे मैं कुछ बेटियों को देखता हूँ उनकी उपस्थिति ही ये प्रदर्शित करती है कि इनके भीतर दिव्यता है। उनके माथे पर, उनकी आंखों में, उनके चेहरे पर, फिर वो उनके हाथ पैरों का संचालन माने उनकी शारीरिक अभिव्यक्ति, उनके पाणि पाद पाय उपस्थ वाक चक्षु श्रोत्र नेत्र घ्राण रसना, जो पंच कर्मेंद्रिया पंच ज्ञानेंद्रिया, पूरी बॉडी लैंग्वेज,
उनके भीतर के मन में उठे विचारों का एक दिव्य प्रवाह है, एक उसमें एक रिदम है दिव्यता की, ऐसी अभिव्यक्ति हमारी होती है। और ये दिव्यता निरंतर बनी रहे, हमारी प्रतिपल बनी रहे, तो जीवन बहुत उन्नत हो जाता है। तो आप सबके लिए हमारी यही प्रार्थना है कि आप निरंतर उन्नत होती रहें। और देखो, महर्षि दयानंद के दो वाक्य मैं हमेशा बोलता हूँ, सब प्रकांड विद्वान तो नहीं हो सकते, सामान्य विद्वान तो हो सकते हैं। दूसरी बात, विद्वान पूर्ण विद्वान, सामान्य विद्या का बोध तो होता ही सब, विद्वान सब नहीं हो सकते, धर्मात्मा तो सब हो सकते हैं। इन दो के अलावा तीसरा तरह का जीवन नहीं होना चाहिए हमारा। जैसे हमारा प्रयास ये होगा कि सब बहनों का बौद्धिक सामर्थ्य भी बहुत अधिक हो, जिनमें थोड़ा सामर्थ्य कम है तो पुरुषार्थ करके थोड़ा बढ़ा ले, बौद्धिक सामर्थ्य में 19-20 भी हो, तो आपकी निष्ठा में तो 100% आपको खरा उतरना चाहिए, दिव्यता में कमी नहीं आनी चाहिए, ऐसा तो होना चाहिए। पुरुषार्थ के बारे में एक बात मैं हमेशा कहता हूं, पुरुषार्थ का सत्य है अपरिहार्यता। क्या है पुरुषार्थ का सत्य? अपरिहार्यता किसको कहते हैं? जिसके बिना काम ही ना चले, अनअवॉइडेबल ट्रूथ, अपरिहार्य सत्य को ही पुरुषार्थ कहते हैं। इसको अवॉइड करके जी ही नहीं सकते। जैसे आप लोग बिना श्वास लिए कोई जिंदा रह सकती है बहन? 5 मिनट रह के दिखाओ कोई, अभी परीक्षा हो जाए। दिस इज अनअवॉइडेबल ट्रूथ ऑफ अवर लाइफ, यह हमारे जीवन का अपरिहार्य सत्य है। क्या हम श्वास के बिना जिंदा नहीं? श्वास के बिना जिंदा रह जाए तो लोग घंटों घंटों ऐसे भी यही भी काम करना शुरू कर देंगे। हम नींद के बिना जिंदा नहीं रह सकते, कितने दिन? 7 दिन, 10 दिन। अभ्यास करके कोई ऐसा प्रयत्न कर भी ले, तंद्रा आदि में बिता ले थोड़ा बहुत समय, ऐसा कोई 3 दिन भी बोल देते, लेकिन 3 दिन से ज्यादा तो बहुत लोगों को देखा जाता है कि वो अपने कार्यों का संपादन कर लेते हैं। शायद 2-2, 3-3 दिन तो हमने भी देखा है बिना सोए, थोड़ा आलस्य तो आता है शरीर में, लेकिन मरना एक अलग बात होती है। 3 दिन के बाद हो सकता है बिल्कुल ही नहीं सोएगा, तो वो चलने फिरने में असमर्थता आ जाएगी, सोचने में असमर्थता आ जाएगी। जब सोते नहीं है तो दिमाग भी कम काम करता है, चाहते कुछ है मुंह से कुछ निकलता है, चाहते कुछ है दिमाग में कुछ और पता नहीं। और कई बार जब ज्यादा नींद हो जाती है तो ऐसे बोलते बोलते ऐसे होने लगते हैं, किसी को नशा हो रहा है, ऐसा हो जाता है। निद्रा अपरिहार्य सत्य है, और श्वास प्रश्वास अपरिहार्य सत्य, भोजन भी अपरिहार्य सत्य। माना कि कोई बिना सोए 7 दिन या 10 दिन जिंदा रह सकता है, तो बिना खाए 40 दिन जिंदा रह सकता है, बहुत, वो भी प्रयत्न करके, पानी पिए तो, और बिना पानी के तो अरे और तो छोड़ो, अभी जैसे पानी की कमी हो जाती है शरीर में और गर्मी ज्यादा लग जाती है, तो अभी 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अभी गर्मी में। पानी कम मिला, गर्मी ज्यादा लगी, और जो है शरीर की सामान्य क्रिया बंद हो गई, बॉडी कोलैप्स कर गई। ऐसे ही हम ये माने कि ये तो मेरे जीवन, जैसे इनको तो हम मान लेते हैं, ये इन ऐसा ना कि ये अब इसके बिना तो जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए खा लेते हैं, सो लेते हैं, श्वास ले लेते हैं। फिर आप जो है आम लोगों का अपरिहार्य सत्य क्या है?
भूख लगती है, इसलिए लोग मेहनत मजदूरी करते। यदि व्यक्ति को भूख ना लगे तो आदमी मेहनत ही नहीं करे, उन्हें क्या जरूरत है। भूख लगती है इसलिए आम लोग बोलते हैं क्या करे जी, ये तो पापी पेट का सवाल है, ऐसा बोलते हैं लोग आम भाषा में, ये तो क्या करे जी, दो जून की रोटी का सवाल है, दो वक्त की रोटी का सवाल है, ऐसा बोल देते हैं। तो आप सब बहनों को ये सोचना चाहिए कि मैंने यदि पुरुषार्थ नहीं किया तो मेरे जिंदगी को ही धिक्कार है, मेरी जिंदगी बेकार है, मैं कहीं का नहीं रहूं, नहीं रहूंगा मैं कहीं के नहीं रहूंगी, ऐसा सोच करके जो जीते हैं ना। मैंने तो ऐसे ही देखा अपने जीवन में, देखो ऐसे सब बोलते हैं स्वामी जी आपका तो अनेक जन्मों का कोई पुण्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके आपका प्रारब्ध बहुत ऊंचा है। देखो भाई मैं अपना बताता हूँ, बाकी देखो दूसरे तो जो कुछ श्रद्धावश भी सोचते हैं, कुछ अलग अलग तरह से अनुमान कर लेते होंगे। मैं तो अपना बोलता हूँ, मेरे भीतर मध्यम सामर्थ्य मानता हूँ मैं। कैसा? शरीर का, भावनाओं का, बौद्धिक, तीन तरह का ही सामर्थ्य मैं बोला। आत्मिक सामर्थ्य तो सबका एक ही जैसा होता है, इस सामर्थ्य में न्यूनता अधिकता होने पर हमारा आत्मिक सामर्थ्य बाधित हो जाता है या वो पूरी तरह से प्रकाशित हो जाता है आत्मिक सामर्थ्य। तो जब मैं मध्यम सामर्थ्य वाला होकर के भी जीवन की इस धरातल पर पहुंचा हूं, तो मेरा जैसा सामर्थ्य तो मैं लगभग लगभग आप सभी बहनों में ही देख रहा हूं, किसी किसी में तो मैं अपने से भी ज्यादा सामर्थ्य देखता हूं। फिर जीवन की सफलता का पैमाना क्या? जीवन में इसकी सफलता का पैमाना यही है कि आप अपने प्रारब्ध के धरातल पर खड़े होकर के प्रतिपल पुरुषार्थ करते जाएं, बस यही जीवन की सफलता का पैमाना है। इसमें जिसको लौकिक जगत में तो उपलब्धता को ही सफलता कहा जाता है, व्हाट इज अवर अचीवमेंट, उपलब्धता, उसी को सफलता बोलते हैं, उपलब्धि। ठीक है ना, ये तो होता रहता थोड़ा कम ज्यादा। तो आप सब बहने आज का एक ही संदेश है, क्या करेंगी? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ एक स्तर पर नहीं, सभी स्तरों पर, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आप सब में दिव्यता घटित होगी। हमारा अभी तक का अनुभव ये है कि जो पुरुषार्थ नहीं करते वो यहाँ टिक भी नहीं पाते। यहाँ की दिनचर्या कब शुरू होती है? सुबह 3:30 बजे, 9 से 3, 6 घंटा निद्रा हो जाती है। 9:30 बजे भी सोए तो 6 घंटा निद्रा हो जाती है। 6 घंटे की निद्रा पर्याप्त तो होती है 15 वर्ष के बाद। 1 माह आपकी परीक्षा का है नई बेटी के लिए। कितना? 1 माह आपकी परीक्षा का। और इस परीक्षा में हम ये देखेंगे कि आप कितने ईमानदारी से पुरुषार्थ कर रहे हैं, आपके भीतर कितनी दृढ़ता है, और आप में पूरी दृढ़ता होगी तो निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे ही हमारे नए भाई भी आए हैं एनजीओ शिविरों के माध्यम से, और हर वर्ष हम इस प्रक्रिया को जून से प्रारंभ करके ग्रामों में से हम थोड़ा थोड़ा कहना शुरू करते हैं, उसको प्रेरणा देना शुरू करते हैं, और गुरु पूर्णिमा हमारा अंतिम पड़ाव होता है। अभी इस प्रक्रिया में हम ये चाहेंगे कि किसी के पुरुषार्थ की न्यूनता ना रहे, जिसके भी पुरुषार्थ की न्यूनता रहेगी वो तो पता लग जाता देखने से, उसको फिर हम प्रणाम पूर्वक पूजा अर्चन करके कहेंगे कि आप देखो यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं। नहीं पुरुषार्थ करेंगे तो आपके जीवन का विकास पूरा नहीं होगा, इसमें हम भी दोषी होंगे कि हमने आपके पुरुषार्थ को पूरी तरह से जागृत नहीं किया, ये भी तो दोष है।
ये भी तो हमारी कमी होगी, तो हम किसी भी तरह से ये नहीं चाहते कि हमसे ये अपराध हो। ये एक तरह का नैतिक अपराध है कि हम किसी के जीवन की विकास की संभावनाओं को पूरी तरह से जागृत नहीं कर पा रहे। अर्थात हमने यहाँ जो करना था वह काम उपलब्ध कराना था, उस पुरुषार्थ के लिए जो कार्य हमें करना था वो कर दिया, आप उसको नहीं कर पा रहे। तो फिर अब दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप स्वयं ही इस संकल्प से, इस प्रकल्प से, इस पथ से हट जाए, या आपके जो वरिष्ठ हैं, गुरुजन हैं, वो आपसे कहें कि बेटा इस मार्ग पर चलने के लिए आपको और थोड़ा तप करना पड़ेगा। जीवन में किसी भी मार्ग पर चलने के लिए बहुत तप करना पड़ता है, चाहे वो भगवान का पथ हो या संसार का पथ। भगवान के पथ पर चलने के लिए महर्षि दयानंद ने कितना तप किया है ना, ऐसे अपने ऋषि मुनियों ने कितना तप किया, ऐसे हमारे पूर्व काल में ऋषि ऋषिकाएं होती थी, उन्होंने भी बहुत तप किया। संसार के मार्ग पर चलने पर के लिए भी कितना तप किया था, पार्वती जी ने कितना तप किया, सीता माता ने कितना तप किया, सब तप करते। तप करने में वैसे बहने आगे रही है। ऐसे बताओ, राम जी ने को तो तप इसलिए करना पड़ा कि भाई वो राजा बन सकते थे, तो उनके लिए फिर वहाँ वनवास का एक तरह से आदेश हो गया, करवा दिया गया, पिता की या जो है उसमें मजबूरी कहो और सौतेली माँ की गलत मनसा कहो, जो भी कहो, सीता को तो वनवास नहीं हुआ था फिर भी तप किया हुआ। सीता जी को वनवास हुआ था क्या, किसको हुआ था, राम जी को हुआ था। तो सीता जी ने ये तो नहीं कहा कि आप वन में जाओ, मैं यहाँ मुकदमा लड़ लोगी पीछे। कृष्ण जी की लड़ाई हो गई थी असुरों के साथ, उनकी पत्नी का क्या नाम था, रुक्मणी। तो रुक्मणी जी की लड़ाई थोड़ी थी किसी से, लेकिन उनको भी उतना ही तप करना पड़ा। अब शिव भोले तो अपना मस्त रहते थे समाधि में, पार्वती को भी तप करना पड़ा। तो ये तो तप में, ये तो कुछ उदाहरण मैंने गृहस्थों के दिए। अब ऋषिकाओं के उदाहरण बहुत आते हैं। अब समस्या क्या है, इतिहास में ना बहुत थोड़े प्रसंग आते हैं जिनको हम पढ़ पाते हैं। अब इतना करोड़ों वर्ष पुराना सृष्टि का इतिहास है, कितने लोगों का पढ़ पाएंगे। लेकिन दिव्यता लिए हुए आज भी तो देखो, अलग अलग मत पंथ संप्रदाय हो सकते हैं, उन सब के अंदर कितनी बेटियां हैं जो बहुत दिव्यता के साथ जीवन को जी रही। तो आप सब बेटियां, सब कन्याएं यहाँ पर पूरी दिव्यता के साथ जीती हुई गुरु शिष्य परंपरा से अपने ऋषियों की ज्ञान परंपरा में दीक्षित होती हुई निरंतर आगे बढ़े। और अब आपके लिए मकान तो बहुत बड़ा है, थोड़ा खेलने के लिए मैदान भी आप लोग बना लेना सामने। ये जो गड्ढा है ना, इसके बराबर वाला पूरा संत कुटीर तक और ऐसे एल शेप में ना, इसमें हम एक दिन वो भेज देंगे ये जेसीबी आदि, फिर उसको समतल करवा देंगे और फिर उसके चारों तरफ कुछ बाड़ आदि भी करनी होगी तो कर देंगे। तो आप खूब खेलो कूदो आगे बढ़ो। देखो एक बार बता रहा हूँ, एक तो शाम को एक घंटा बहुत कस करके खेला करो। मैं आज एक इसलिए भी आया हूँ,
मैंने कई बार गया उधर आचार्य कुलम में खेलने के लिए, तो मन दिखा उसमें करीब 30% बहनें एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है एक्सरसाइज में, 70% तो दर्शक दीर्घ में रहती है। ना ये ठीक नहीं। देखो एक घंटा, मैं आपको दो तीन तरह का इसका उदाहरण देता हूं। बेटियों को एक घंटा यदि एक्सरसाइज नहीं करेंगी तो उनका स्ट्रेस रिलीज नहीं होगा। स्ट्रेस तीन लेवल पर होता है। एक तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस होता है, जैसे जैसे माथे पर स्ट्रेस होता है तो ऐसे माथा हो जाता है, ये ना हमको तो करना भी नहीं आता। माथे पर स्ट्रेस होता है तो ये तोड़ियां हो जाती है ऐसी, है ना, और चेहरे पर दिखता है कुछ ना कुछ, चेहरे पर आता है, और हाथों पैरों में भी स्ट्रेस आता है, तो फिर ये स्टिफनेस आती है, फिर वो स्ट्रेस हमारे बोन्स में जाता है, तो बोन्स में डिजनरेशन होता है, उससे फिर विटामिन D3, विटामिन B12 उसके ऊपर असर आता है, फिर जो है वो ब्लड में जाता है तो हीमोग्लोबिन की कमी आती है, फिर वो यूट्रस ओवरी में जाता है तो उससे मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम आती है, फिर मैंने फिजिकल लेवल पर स्ट्रेस होता है। तो आप लोग जब एक घंटा तक खूब आनंद से, ये तो जैसे कहते हैं ना रचना ही ऐसी हमारे शरीर की, एक घंटा यदि एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लेस फिजिकल एक्टिविटी, दिस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। स्ट्रेस तो है, स्ट्रेस के साथ ये लेस फिजिकल एक्टिविटी, ये गड़बड़। तो एक घंटा खूब खेला करो, खेलने में जिसकी मान लीजिए रुचि नहीं है किसी किसी की, तो खेलने में रुचि तो योग करो, आसन करो, आसन कर लो, जितने आपको बैठ करके खड़े हो करके लेट करके सूर्य नमस्कार जो भी आपको आता है एक घंटे तक उसी में पूरी एकाग्रता के साथ खो करके करना है, एक घंटे तक पूरा सुबह प्राणायाम ध्यान करते हैं उतना पर्याप्त। एक फिजिकल लेवल पर स्ट्रेस है, दूसरा मेंटल लेवल पर स्ट्रेस होता है। फिजिकल लेवल पर स्ट्रेस मैंने बताया, स्किन पर स्ट्रेस आता है तो स्किन पता नहीं कैसी कैसी हो जाती है, माने बुद्धि बुद्धि हो जाती है, उसपे कई तरह के रिंकल्स आते हैं, दूसरी चीजें आती है। जब आप खुश होते हैं तो चमड़ी से लेकर के माने चमड़ी पर स्ट्रेस आता है, फिर उसके नीचे मसल्स में स्ट्रेस आता है, फैट में स्ट्रेस आता है, बोन्स में, बोन मेरो में, ब्लड में, माने बॉडी का डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं जिनको सप्त धातु बोलते हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र रज ओज, यहां तक अष्ट धातु बोलते हैं, सिर्फ सप्त तो दिखते हैं उस फिजिकली उसको आप महसूस कर सकते हो, माने उसको आंखों से देख सकते हो, और जो हमारा पूरा शरीर जो ग्लो करता है ना उसको ओज कहते हैं। इस स्तर पर एक तो स्ट्रेस होता है, एक तो मानसिक स्तर पर उसको फितूल चलता रहता अंदर से, कुछ लोग ऐसे बैठे रहेंगे लेकिन अंदर अंदर पता नहीं क्यों क्यों घूमता रहता चक्र, और ऐसी विचार श्रृंखला एक के बाद दूसरी चलती रहती है और उसमें पागलों की तरह कुछ कुछ सोचते रहते हैं, ये नहीं ठीक। ये मेंटल लेवल पर स्ट्रेस, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर स्ट्रेस। ये स्ट्रेस फिर कहां दिखता है हमको, जब हम काम करते हैं उसमें ये आता है, जो मन में होता है, जो शरीर में होता है, जो थॉट्स में होगा, इमोशंस में होगा, थॉट्स इमोशन ये तो एक एक के दो रूप है, वो एक्शन में दिखता है। फिर आप जो भी काम करेंगे उसमें स्ट्रेस दिखता है, जब आप लिखते हैं, जब आप पढ़ते हैं, जब आप बोलते हैं, जब आप खाते हैं, तो स्ट्रेस जो जिसमें ये होता है ना वो दिखता है, खाने वाले का स्ट्रेस दिखता है हर चीज में। तो ये किसी भी स्तर पर आप में तनाव नहीं रहना चाहिए। एक बार काफी बेटियां हैं नहीं तो इससे बीमार होती, मतलब एकदम जो है ना सहज रहना चाहिए हमेशा, मस्त प्रसन्न। पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज कहा करते थे, मन कैसा होना चाहिए, पावन तरंगित मन, पावन तरंगित मन, पावन रहे तरंगित रहे, जिस किसी को देखो उसी के भीतर से ऐसी दिव्यता दिख रही,
से दूसरा पावन तरंग के मन के विपरीत क्या होता है, एकदम कहते हैं ना उर्दू का शब्द है मन हूस खड़ी भाषा में आम भाषा में बोलते हैं क्या करें थोड़ा मन हूस मैंने इसको देखो ना तो ऐसा लगता है पता नहीं सारी सृष्टि का दुख इसके पड़ा पड़ा हुआ हाँ ऐसा ऐसा जी उसको ऐसे आम भाषा में बोलते हैं क्या करे इसका मूड ठीक नहीं है तुम्हारा ठीक है तुम्हारे नहीं बोल रहा ऐसा नहीं होना चाहिए क्या करे बोले इसका ना मूड ठीक नहीं है फिर उसको कोई ठीक करे ना तो फिर उसे कोई बात नहीं कर फिर वो भी बोलते मेरा मूड ठीक नहीं नहीं भी अरे मूड ठीक कर लो इसका क्या है बहुत दिक्कत वाला कार्यक्रम है तो ए बेटी हो नई वाली तुम्हारे लिए भी कहता हूँ पावन तरंगित मन रहना चाहिए ऐसा मूड खराब मत करना हमेशा प्रसन्नता से आनंद से रहना तो आज ये हमारी कुछ देख जाए तो ऐसे हमेशा ही आश्वासन करता रहता है तो सुनो ये आप अभी तुम्हारी टेम्परेरी है भोजन शाला व्यायामशाला व्यायामशाला तो यहाँ से लेकर के पीछे तक इनको एक एक आसन है सबके पास योग ग्राम में बहुत है योग ग्राम से ऐसे बहुत स्टॉक में और मंगवा देंगे सबको एक एक आसन दे दो तो सुबह जैसे यहाँ इस पर भी बिछा के भी कर सकते हैं जिसको कुछ अतिरिक्त करना हो बैठ भी सकते हैं सबको सबसे पहले तो यही याद करना संध्या हवन के मंत्र सुन करके इतना तेज दिमाग होना चाहिए गुरु बिरजानंद जी एक बार सुनते थे एक बार में याद कर लेते थे कितने बार में एक बार सुना एक बार में याद कर लिया और यमुना जी में ऐसे कमर तक पानी में खड़े होकर गायत्री का जप करते थे अलग अलग तरह से तपस्या करते थे इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बैठ करने लगे कि हम लोग गंगा जी में नहीं हमको तो यहाँ तक खड़े होके जप करना है गायत्री का सुबह जप कराते ना 15-20 मिनट ध्यान उसमें ओंकार का गायत्री का जप करने से एकाग्रता बढ़ती है बुद्धि बढ़ती है बुद्धि का भी विकास होता है शरीर का विकास किससे होता है हड्डियों का विकास किससे होता है कैल्शियम से और मसल्स का विकास किससे होता है प्रोटीन से और किसी का शरीर में मांस कम हो जैसे कईयों का बढ़ाना है श्रुति जी का सविता जी का तो इसके लिए क्या चाहिए किसी में वेट कम है अंडर वेट है तो उसके लिए वजन किससे बढ़ेगा फैट से वजन बढ़ेगा फैट से बढ़ेगा फैट फैट मत चिकन आई फैटी है ना कैल्शियम से बढ़ेंगी हड्डियां मजबूत होंगी और मसल्स किससे मजबूत होंगे प्रोटीन से वो मजबूत होंगे बढ़ेंगे उसकी रिक्वायरमेंट है उसका वो रॉ मटेरियल ऐसे दिमाग किससे बढ़ेगा दिमाग ऐसे लंबाई चौड़ाई में नहीं बढ़ता है हड्डियों की तरह मांसपेशियों की तरह ऐसे उसके ऊपर ऐसे नहीं बढ़ता है ब्लड की तरह ऐसे नहीं बढ़ता है वो जैसे तो दिमाग ब्रेन सेल्स है ना हमारे बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं फिर हम जो देखते हैं सुनते हैं उसमें स्टोर हो जाता है मेमोरी के तौर पर ग्रैस्पिंग पावर हमारी ग्राह्यता भी उसमें उसमें उसके साथ जुड़ी हुई है तो इसके कई स्वरूप हैं तो याद करना याद किए हुए को स्मरण रखना और उसके अकॉर्डिंग फिर एक्शन करना तो धी धृति स्मृति तीनों रूप हमारे बहुत अच्छे है तो दिमाग किस किस चीज से बढ़ता है एक तो ध्यान से बढ़ता है
और पढ़ने से बढ़ता है, वो उसकी खुराक है। जैसे शरीर की खुराक भोजन है ना, जितने भी न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब फूड, जैसे हमारे मस्तिष्क की शरीर की खुराक है, ऐसे पढ़ाई करना दिमाग की खुराक है, ध्यान करना दिमाग की खुराक है, उससे ब्रेन का विकास होता है। माने जो भी ब्रेन सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं जो इनएक्टिव होते हैं, प्रसुप्त ज्ञान जागृत हो जाता है। ठीक है, तो आज का विषय इतना ही। बड़ी बहने छोटी बहनों को, जो कुछ आयु में बड़ी है, कुछ ज्ञान और साधना में बड़ी है, उन सबको परस्पर एक दूसरे का के प्रति गौरव और प्रेम, गौरव आदर बड़ों के प्रति और प्रेम छोटों के प्रति, और जो अपने समकक्ष उनके प्रति बहुत दिव्यता से ऐसे रहना है। तो जीवन में दिव्यता की बहुत दिव्यता को बहुत गौरव देना चाहिए। तो आपको जो अपने वरिष्ठ बहने हैं उन सबके प्रति भी बहुत गौरव देना। देखो ऐसे ही होता है, तो चाहे अपने सबसे जो वरिष्ठ बहने हैं सुमन जी, सविता जी, और जो है यहाँ पर जो आपके दायित्व में कुल कुल का संपूर्ण दायित्व जिन पर है,